हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। आज है दिन शुक्रवार और तारीख है 6 नवंबर 2020। और शुक्रवार का दिन रिकॉर्डिंग क्लब में होता है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का। तो सभी सम्मानित साथी स्वीकार करें यथोचित अभिवादन विनोद गढ़वाल का, क्योंकि इस समय रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी है विनोद की जुबानी। साथियों, हाजिर हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के कारवा को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 119 के साथ। इस दौरान त्योहारों का दौर चल पड़ा है। कुछ समय पहले नवदुर्गा, नवरात्रियां और दशहरा हमने मनाया है और आगामी दिनों में दीपोत्सव भी हम मनाएंगे, किंतु इस दौरान कोरोना का कहर भी जारी है, जिससे हम सबको बचाव रखना है। अतः आप सभी से निवेदन है कि कोरोना से बचे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन त्योहारों को मनाएं। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग क्लब सदैव से आपके सहयोग का अभिलाषी रहा है, आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो जिन साथियों ने रिकॉर्डिंग क्लब को अपना सहयोग नहीं दिया है, उनसे अपेक्षा है कि वे समय पर अपना सहयोग दें। और जो साथी सहयोग देने में किसी कारणवश असमर्थ हैं, वे रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं उनको सुने। YouTube पर विजिट करते समय जो उनको एड्स विज्ञापन मिल रहे हैं उनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, उनको भी कुछ सेकंड सुने। और इस प्रकार भी रिकॉर्डिंग क्लब का आप अपना सहयोग कर सकते हैं। यदि रिकॉर्डिंग क्लब का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर लगता है कि शेयर करना चाहिए तो शेयर भी करिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियां कैसी लग रही है। तो चलिए आज का कारवा आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 119 की शुरुआत करते हैं। जब रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी का 118वां अंक आपके साथ शेयर किया था, तो मैंने बताया था कि कई बाधाओं के बावजूद मैं पुष्कर कन्वेंशन में जाने हेतु तैयार हुआ। इंदौर से कुछ साथी मेरे साथ गए, कुछ साथी भोपाल से आए थे। और जब इंदौर और भोपाल अजमेर, इंदौर से एक गाड़ी जाती है इंदौर अजमेर के नाम से और भोपाल से गाड़ी आती है भोपाल जयपुर के नाम से, और ये दोनों ही गाड़ियों का समागम उज्जैन में होता है और ये लिंक एक्सप्रेस के नाम से जाती है। तो जो भोपाल से सज्जन आए थे पुष्कर कन्वेंशन के जाने के लिए, तो उनसे उज्जैन में मुलाकात हो गई और यह तय किया गया था कि हम पुष्कर उतरेंगे तो एक दूसरे से संपर्क करेंगे और साथ में ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे ही जानकारी प्राप्त की थी कन्वेंशन के बारे में और मेरे साथ जाने के लिए वो आए थे। किंतु सुबह लगभग 6:15 बजे जब अजमेर रेलवे स्टेशन पर हमारी गाड़ी पहुंची, हम उतरे, तो चूंकि उस समय काफी अच्छा विजन था, मेरी आंखों में रोशनी थी आज की अपेक्षा, तो मैं उनके कोच तक गया। उनके कोच पे उनकी सीट पर जाके देखा कि भाई साहब उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। पता चला भाई साहब उतर गए हैं। उनको कई आवाजें दी गई, फोन लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ था और संपर्क नहीं हुआ। वे सज्जन थे
आदरणीय लालजी यादव जी जो कि भोपाल से हैं, तो यादव जी का जो फोन स्विच ऑफ हो गया, इनसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहा। ऐसे में जो भोपाल के इनके अन्य सहयोगी थे उनसे मैंने कांटेक्ट की कि इस प्रकार की समस्या आ रही है और लालजी साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब कैसे संपर्क करूं। तो उन्होंने एक आध नंबर और दिया लेकिन वो भी बंद आया। काफी देर तक मोहन सज्जन से ही चर्चा करता रहा। राजीव राठौर जी थे भोपाल में जिनसे मैंने चर्चा की, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। अंत में राजीव राठौर जी ने कहा कि आप परेशान मत होइए और आप तो चले जाइए। तो मेरे साथ जो इंदौर के सहयोगी थे शिखा दुबे, नितिन पाटीदार, ये सब भी कहने लगे कि क्या आप एक व्यक्ति के लिए इतना परेशान हो रहे हो, चलो छोटा सा बच्चा तो है नहीं जो भूल जाए भटक जाए, हम चलते हैं। फिर भी मैं क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति था, एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर कि मैंने उनको समझाया शिखा और नितिन को, क्या वो मेरे कहने से आए और हम ऐसे छोड़ दें ये अच्छा नहीं। तो आधा पौन घंटा उन्होंने वेट करा। नितिन ने भी इधर उधर संभावित स्थानों पर कॉम्प्लेक्स हो या वेटिंग रूम हो सभी जगह नितिन ने भी जा जाकर देखा लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर आधा पौन घंटा यानी कि करीबन 7-7:30 बजे लगभग 7:30 का समय हो गया था हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले। फिर कुछ दूरी पर जाके हमको बस मिलना थी पुष्कर की, तो वहां पर हम गए। वहां पर भी हमने इंतजार करा लालजी यादव जी का और वहां के कुछ लोगों से पूछा भी कि क्या कोई और ब्लाइंड अभी गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं गए हैं। तो ऐसा करके हम काफी परेशान हुए और लगभग 8:30 बजे हम बस से 8-8:30 बजे हम बस से पुष्कर के लिए रवाना हो गए। लगभग 9:15-9:30 का समय था जब हम पुष्कर पहुंच गए और संदीप जी से पता एग्जैक्टली पूछ के कि बस वाले ने जहां उतारा था उसने बताया कि आपको यहां से जाना होगा। तो संदीप जी से पूछ पुछाकर हम कन्वेंशन स्थल पिपानंदा आश्रम भी पहुंच गए। जाते से ही जैसे ही इंटर हुए वहां पर काउंटर बना हुआ था, आज की जो हमारी जयवंती मैडम है, नीतू मैडम, ये काउंटर पे थी, हर्षिता वगैरह ये काउंटर पे थी। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। मैंने चारों सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कराया क्योंकि मेरे साथ नितिन, शिखा और शिखा की एक फ्रेंड आभा थी, तो चारों का रजिस्ट्रेशन कराया। हमने अपना चार्ज जमा करा 200-200 रुपये। उसके पश्चात फिर हमें एक रूम अलाट किया गया। उस रूम में जाकर हम सभी लोग जो हैं वो फटाफट तैयार हुए क्योंकि नाश्ता जो वहां पर चल रहा था और एक प्रकार से खत्म होने को था नाश्ता। तो फिर भी इन लोगों ने कहा, संदीप जी और नीतू मैडम वगैरह ने, कि सर आप लोग तैयार हो जाइए जल्द से और नाश्ता करिए, कार्यक्रम का भी समय हो रहा है, शीघ्र ही कार्यक्रम चालू होने वाला है। तो हम फटाफट चारों लोग बारी बारी से तैयार हो गए और जाकर कुछ लोगों ने नाश्ता करा। पोहे जलेबी का नाश्ता था क्योंकि उस समय हम काफी लेट हो चुके थे तो नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो चुका था और फिर कार्यक्रम भी चालू हो गया था। तो मैंने कम से कम नाश्ता नहीं करा और मैं क्योंकि एक जिम्मेदारी का आभास मुझे वहां पर हो रहा था कि मैं मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करना है, और तो मैं हॉल में पहुंच गया। कुछ समय पश्चात शिखा, नितिन और आभा जी भी आ गई। फिर वहां पर परिचय सत्र में हम लोग शामिल हुए, अपना परिचय दिया और जो फिर एक्टिविटी जो जो थी क्योंकि धड़ाधड़ एक के बाद एक सत्र आयोजित हो रहे थे तो मुझे लगा यार कि इतना टाइट शेड्यूल तो नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल, यानी कि व्यक्ति को पानी पीने तक का समय नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि हम लोग कितना कार्यक्रम में रुचि लेकर बैठते हैं या कितनी रुचि से किसी कार्यक्रम को सुनते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, जो डिजाइन किया गया था प्रोग्राम को, वह बहुत अच्छा था। एक नया अनुभव था कि वन बाय वन, एक के बाद एक सेशन हो रहे हैं, तो लगातार सेशन में सक्रियता से मैंने भाग लिया, क्योंकि मेरा मोटिव तो यही था कि रिकॉर्डिंग क्लब को जानना है, इसकी गतिविधियों को पहचानना है। तो फिर सत्र हुए, परिचय सत्र के बाद व्यक्तित्व विकास का सत्र हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक के बाद एक सत्र हुए, फिर लंच हुआ। लंच में भी काफी अच्छे व्यंजन का रसा स्वादन हमें करने को मिला। और लंच के उपरांत एक ऐसा वाक्या घटा जिसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। लंच हुआ, फिर चूंकि कुछ लोगों की आदत होती जल्दी खाने की, कुछ की देर से, और जहां तक मुझे याद है कि दो बारी में वहां पर खाना हुआ था। पहले एक बेंच को बैठा दिया गया, फिर दूसरी बेंच को। तो खाना खाने के उपरांत हम लोग एक कमरे में, एक कक्ष में जाकर बैठे, और उस कक्ष में कई लोगों से मुलाकात हुई, कई लोगों से परिचर्चा हुई, संवाद हुआ। और उसी दौरान उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात भी हुई, जिससे टकराव हुआ था कुछ ही दिनों। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राम प्रसाद शर्मा जी की। तो संयोग से मैं भी उसी कमरे में जाकर बैठा जहां पर वो बैठे हुए थे, और बातचीत हुई। तो लगा ही नहीं यार कि कुछ इस प्रकार का विवाद हुआ है। बाद में अर्पण जी उस कक्ष में दाखिल हुए, और जो हमारी ब्लाइंड की आदत रहती है, कौन कौन है यहाँ पर, इसी तरीके से अर्पण जी ने भी पूछा। तो हम लोगों ने बताया कि हाँ, हम लोग हैं, मेरे साथ कपिल कुमार मेहरा जी थे, और भी राजस्थान के लोग थे, यानी कि मैं किसी को जानता नहीं था। कपिल जी से ही थोड़ा सा परिचय था, क्योंकि कपिल जी की उस समय प्रश्नोत्तरीय आता था प्रतिदिन रिकॉर्डिंग क्लब में। वो कुछ प्रश्न पूछते थे और जिसके आंसर हमको देना थे, तो उनके कुछ प्रश्नों के आंसर मैं भी दिया करता था प्रतिदिन। तो एक दूसरे को हम व्हाट्सएप पर इस हिसाब से जानते थे, तो कपिल जी का नाम सुना था, तो कपिल जी ही साथ में थे। फिर कपिल जी ने बताया कि ये लोग हैं, तो अर्पण जी को भी आश्चर्य हुआ। अरे क्या बात है, विनोद जी भी हैं और रामप्रसाद भी है, बोला हाँ है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा हास्य वहां पर हुआ, और फिर वो चले गए। कुछ समय पश्चात हम भी उस रूम से आ गए, क्योंकि अब पुनः जो भोजन अवकाश के उपरांत सेशनों का दौर चालू होना था, सभी को सूचनाएं दी गई कि चलिए अब अपने अपने कक्षों से आ जाइए, हॉल में चलिए, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इस प्रकार से हम हॉल में प्रवेश कर गए, कुछ सेशन चालू हुआ। फिर कपिल जी मुझको अपने साथ एक दूसरे कक्ष में ले गए, क्योंकि उनको कुछ तैयारियां करना थी। अब क्या वे तैयारियां थी और क्या कपिल जी को मेरे साथ करना था, ये सब होगा लेकिन पार्ट 120 में। आप तब तक का इंतजार कीजिए, मिलेंगे, इसी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप
सुनेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और हाँ साथियों, आप सभी से विदा चाहूं उससे पहले एक अपील जरूर करूंगा। SMS, सामाजिक दूरी है बहुत जरूरी, मास्क सदैव पहने, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, यदि साबुन नहीं है तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। खुश रहें, खुश रखिए। यही रिकॉर्डिंग क्लब का सदैव से ध्येय रहा है। पढ़े पढ़ाएं, सीखें और सिखलाएं कि भाव से हम कार्य करते हैं। उम्मीद है कि आपका सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होगा। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।